हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद प्राइड। देखते हैं मार्केट कल कहाँ मूवमेंट कर सकते हैं और कौन से स्टॉक्स हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बैंक निफ्टी, और कल वीकली क्लोजिंग भी होने वाला है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कल कैसा मूव कर सकता है। वीकली कैंडल देखते हैं पहले कैसा कल क्लोज कर सकता है। तो वीकली कैंडल में इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है कल थोड़ा साइडवेज टाइप का रहे या फिर थोड़ा वॉलेटाइल हो जाए। आज भी वॉलेटाइल था काफ़ी, तो अभी देखते हैं पहले एनालिसिस करते हैं, फिर बाद में वीकली एनालिसिस फिर ढंग से करेंगे। तो अभी कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो कल भी हम लोग ने बात किया था कि अगर ओपन हो इसको तोड़ेगा तो एक मूव आ सकता है 46,400 तक का भी, तो आया ठीक है। तो जो हुआ था अच्छा ही हुआ, लेकिन ये जो सेकेंड हाफ का मूव था ये इतना ज़्यादा आएगा ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो गया, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा ही आ गया ठीक है। अभी ठीक है, जो हो गया हो गया। अब देखते कल हम लोग क्या कर सकते हैं। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो इस रेंज में 47,050 इस रेंज से 46,800 तक का ओपन हो, और इसमें थोड़ा सा टाइम रहे, इस टाइम स्पेंड करके देन ब्रेक करें इसको। देखो अभी क्यों डायरेक्ट ब्रेक करने से मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फ्लैट ओपन होकर थोड़ा टाइम स्पेंड करके ब्रेक करेगा तब इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ मूव कर चुका है 500-600 पॉइंट ऑलरेडी मूव कर चुका है। तो अभी अगर डायरेक्टली ये भागेगा तब वहाँ से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग है ठीक है। फ्लैट ओपन होने के बाद आपको ये देखना है कि इसको रेंज को कहाँ तोड़ रहा है। हाँ, इस रेंज को कहाँ तोड़ रहा है, 46,800 पकड़ लो आप, और 47,50 तक का रेंज, इस रेंज में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए देन इसको ब्रेक करना चाहिए। और इसके नीचे आने से मार्केट थोड़ा सा मतलब एक बेयरिश हो जाएगा इसके नीचे आने से। और अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन देता है इसके नीचे, इस लेवल के नीचे बहुत बड़ा गैप डाउन देता है, तब भी आपको 46,700 के नीचे मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन देता है तब भी आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है कि मार्केट हो सकता है थोड़ा सा फिर इसको भी मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करेगा, फिर इसको भी तोड़ देगा मार्केट और नया लो बनाने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट कल इसके नीचे गैप डाउन देता है और अगर इंटरडे में भी इसके नीचे सस्टेन करता है थोड़ा आके, मान लो यहाँ पर ओपन हुआ देन सस्टेन किया या सस्टेन करके फिर ब्रेक किया और इसके नीचे भी थोड़ा टाइम ट्रेड करने लग गया, तो हो सकता है कि ये लो भी कल टूट जाए, क्योंकि कभी कभी फ्राइडे को भी ट्रेंडिंग हो जाता है मार्केट ठीक है। तो बैंक निफ्टी का था। और अगर गैप अप हो गया बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो हो सकता है मार्केट पहले नीचे आए, क्योंकि पहले क्यों नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ से मूव हो गया अगर 700-800 पॉइंट उन लोगों को मिल जाएगा तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगा। जो लोग यहाँ पर बाई किए होंगे इस एरिया में बाई किए होंगे उन लोगों को 700-800 पॉइंट का मूव ऐसे मिल जाएगा गैप अप के थ्रू, और तो मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद यहाँ पर हो सकता है मार्केट कहीं पर इस रेंज में कहीं पर बेस बनाए देन उसके बाद डिसाइड हो कि नीचे तोड़ रहा है ऊपर तोड़ रहा है, उसके बाद डिसाइड होगा। तो अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो पहले वो नीचे आएगा देन उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि क्या करना है। अभी निफ्टी फिफ्टी देखते हैं, निफ्टी फिफ्टी के भी सेम, निफ्टी फिफ्टी तो कल इसको रहना ही है। कल अगर ये इस रेंज में कल अगर ब्रेक करता है तो कल मैं ब्रेकआउट में कोई भी यकीन नहीं, कल इसको इस रेंज में थोड़ा टाइम रहना है 22,250 से लेकर 22,150 तक इस रेंज में अगर वो थोड़ा टाइम रहा मार्केट तब जाके ब्रेक करेगा, तब जाके मैं थोड़ा टाइम 1-2 घंटा कम से कम रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से देखो इस रेंज में ठीक है कंसोलिडेट करने के बाद अच्छा खासा मूव आया, तो यहाँ का जो बायर्स है वो लोग पूरा उन लोगों का अभी भी पूरा अच्छा सा ग्रीन चल रहा होगा। और अगर गैप अप होगा तो सेम निफ्टी की बैंक निफ्टी की तरह ये पहले स्लाइड करेगा, स्लाइड करने के बाद यहाँ पर हो सकेगा कि रेंज बनाए या फिर कहीं पर भी एक रेंज बनाए, स्लाइड करेगा प्रॉफिट बुकिंग जहाँ पर आएगा एक रेंज बना के फिर ये ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकडाउन करे तब हम लोग को देखना है। और बहुत बड़ा गैप डाउन दे दिया तब ये बेयरिश ऑटोमेटिक बन जाएगा। बहुत बड़ा गैप डाउन इन द सेंस आपको इसके नीचे गैप डाउन नहीं देना चाहिए, 22,120 के नीचे गैप डाउन नहीं देना चाहिए। इसके नीचे गैप डाउन देने से आपका ऑल मतलब एक बेयरिश सेंटीमेंट आ जाएगा कि ताकि ये मूव बाद में ये मूव मतलब ये कोई बेकार टाइप का मूव हो जाएगा, क्योंकि इस मूव का कोई वैल्यू नहीं रहेगा तब अगर इसके नीचे गैप डाउन हो गया। तो हम लोग तीनों सीनरी समझ के गैप अप होने से क्या करना है, गैप डाउन होने से क्या करना है और फ्लैट ओपन होने से क्या करना है। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है तो देखते हैं सेंसेक्स क्या मूव कर सकते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट सेम है, तो सेंसेक्स में हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो हम लोग को थोड़ा उसका एक्सपायरी के हिसाब से देखना होगा। अगर कल सेंसेक्स फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इसको रेंज बनाने दो, बहुत लंबा रेंज बना दो, क्योंकि यहाँ से यहाँ मूव हुआ बहुत बड़ा मूव हो गया, तो अभी इसको यहाँ पर कम से कम 300 से लेकर 73,000 के बीच में अगर ये 2-3 घंटा मान लो 12-12.30 बजे के बाद ब्रेकआउट करता है तब जाके इसमें अपसाइड में ट्रेड करना है। पहले ओपन हो गया तोड़ रहा है तो फिर इसमें हो सकता है आपको स्कैल्पिंग में 100 पॉइंट मिल जाए, लेकिन आप इससे ज़्यादा आप इसको 100-150 पॉइंट मिल जाए, लेकिन इससे ज़्यादा आप इसको ट्रेंडिंग मूव नहीं ले सकते।
और अगर रेंज बना के इसको नीचे की तरफ भी ब्रेक करेगा तब भी आप इसको डाउन सेट के लिए भी प्ले कर सकते हो, रेंज बना के ब्रेक करता है तो। और इस बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो पहले आप जैसे कि बहुत बड़ा गैप अप हो गया तब स्कैल्पिंग कर सकते हो एक छोटा सा, ये यहाँ तक आ जाए, देन यहाँ तक आने के बाद साइडवेज करे, देन वो डिसाइड करेगा सेकेंड हाफ में या एकदम लास्ट में कि कहाँ मूव करना है। और गैप डाउन दे दिया, इसके नीचे गैप डाउन दे दिया तब एनीथिंग बिलो 72,900 तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बेयरिश बन जाएगा। तो इसके नीचे गैप डाउन देता है तब भी आपको थोड़ा देखना है उसका, गैप डाउन के बाद थोड़ा सा पुल बैक दे, पुल बैक देने के बाद थोड़ा सा साइडवेज रह के देन फिर ब्रेक करें तब आपको यहाँ पर ट्रेड लेना। और सेकेंड हाफ में ट्रेड ज़्यादा दिख रहा है, कल कल फर्स्ट हाफ में ट्रेड ज़्यादा दिख नहीं रहा है, खाली एक ही दिख रहा है। अच्छा तो गैप अप होता है बहुत बड़ा तब हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग है, तो वो आपको स्कैल्पिंग मिल जाएगा। इसके अलावा और कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं दिखता। और अभी देखते हैं कुछ स्टॉक्स, बर्जर पेंट पहले देखते हैं। बर्जर पेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्जर पेंट में बाइंग के लिए देखना पड़ेगा कल, तो बर्जर में बाइंग के लिए कहाँ देखना पड़ेगा, पहले इसके नीचे गैप डाउन नहीं होना चाहिए 568, इस रेंज के नीचे गैप डाउन नहीं होना, 568 के नीचे गैप डाउन नहीं होना चाहिए, एकदम फ्लैट ओपन हो। और 573.4 जैसे टूटे तब आप इसको 2 से 2.5 रुपये, 2 से 3 रुपये स्टॉप लॉस रखो, देन 1:2 मिनिमम टारगेट रखना, ठीक है, मिनिमम 1:2 टारगेट रखना। देन इसके बाद अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट भी आपको बाइंग के लिए देखना है, अंबुजा सीमेंट भी सेम आपको देखना है कि इसके नीचे गैप डाउन ओपन ना हो, 590 के नीचे गैप डाउन ओपन ना हो, 590-589 के नीचे गैप डाउन ओपन ना हो, और फ्लैट ओपन होके ये 593-94 क्रॉस कर, 94 क्रॉस कर रहा हूँ तभी आप इसको ट्रेड कर सकते हो। देन 2 से 3 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 मिनिमम टारगेट आपका रहेगा। देन नेक्स्ट स्टॉक है जोमेटो, जोमेटो में भी आप बाइंग के लिए देखना, बाइंग के लिए वैसे देखना है आपको फ्लैट ओपन हो ये और इसके नीचे ओपन ना हो, 161 इसके नीचे ओपन ना हो, फ्लैट ओपन होके इसको तोड़े, 163 को तोड़े, देन आप इसको 1 से 1.5 रुपये स्टॉप लॉस रखना और 1:2 मिनिमम टारगेट रखना, और हो सके थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हो क्योंकि इस रेंज तक ये आना चाहिए, 165-66 तक आ जाना चाहिए। हाँ तो इसके लिए देख रहा आप अदानी टोटल, इसमें आप सेलिंग के लिए देख सकते हो, ठीक है, अदानी टोटल सेलिंग के लिए देख सकते हो, सेलिंग ए फ्लैट ओपन हो, इसके ऊपर ओपन ना हो, 123-124 इसके ऊपर ओपन ना हो, इस रेंज के ऊपर ओपन है, 23-24 इस रेंज के ऊपर ओपन ना हो, फ्लैट ओपन करके ये इस रेंज को तोड़े, 1015 को तोड़े, 1015 तोड़ने से आप इसको कर सकते हो और 8 से 9 रुपये स्टॉप लॉस रहेगा और आपका मिनिमम टारगेट 1:2 रहेगा। और अगर हो सकता है कि ये सब लेवल भी कल तोड़ दे तो आप ये ध्यान में रखना कि 1000 का नीचे भी जा सकता ही है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये थोड़ा सा लंबा ट्रेड भी मिल सकता है आपको, अच्छा खासा बड़ा ट्रेड भी मिल सकता है नीचे के साइड। हीरो मोटो का इंटरेस्टिंग है, ये दोनों साइड का ट्रेड मिल सकता है, मान लो फ्लैट ओपन हुआ है इस रेंज को, जिस साइड भी तोड़ेगा फ्लैट ओपन होना पड़ेगा, ठीक है, फ्लैट ओपन होके इस रेंज को, इस रेंज में जिस साइड तोड़ेगा इस साइड ये मूव करेगा, हाँ 45-10 से लेकर आप 44-50-60 पकड़ लो। और मैं आपको एक बता दूँ, अगर मान लो कल, या फिर आप डाउन साइड का आप इस रेंज में पकड़ सकते हो, ये वाला 44-70 पकड़ सकते हो, 44-70 नीचे का तोड़े, इस रेंज में रहकर 44-70 अगर नीचे तोड़े, ऊपर का ये ब्रेक ना करके अगर नीचे का 44-70 तोड़े, देन आपको मूव मिल सकता है और इसको भी तब नहीं छोड़ेगा, तब ये इस 44,000 के 4400 के राउंड लेवल तक आने की कोशिश करेगा। और अगर इस रेंज में ओपन होता है और इसको भी ना तोड़े, 44-70 को ना तोड़े और ऊपर 45-10 को तोड़ दे ऊपर की तरफ, तो आपको ये भी ट्रेड मिल सकता है, देन ऊपर के लिए आपको 45-60-70 ऐसा या फिर 80 तक भी आपका मूव मिल सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अब वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया और अपना ख्याल रखना।